हेलो स्टूडेंट, मैं यूसुफ पॉलिटेक्निक स्टडी चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जैसा कि आपका पीएलसी के लेक्चर चल रहे हैं, आपने पार्ट वन देख लिया होगा, पार्ट टू भी देख लिया होगा, आज पार्ट थ्री पे चलते हैं। जैसा कि पार्ट वन में आपने इंट्रोडक्शन पीएलसी, पीएलसी की एडवांटेज डिसएडवांटेज, उसके इनपुट आउटपुट रिमोट कार्ड सभी आपने पढ़ लिए हैं। और उसके बाद सेकेंड पार्ट में आपने पढ़ ही लिया था कि उसकी डिसएडवांटेज और उसके मॉड्यूल, जो आपके मॉड्यूल होते हैं वो पढ़ लिए थे आपने। तो उससे आगे का आज डिस्कस करते हैं, जो कि हमारे पार्ट थ्री है। आज ये पार्ट थ्री हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, और वीडियो देरी से जाने के लिए क्षमा चाहता हूँ। थोड़ा तबीयत ख़राब हो जाने की वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया था। अब आगे हम कंटिन्यू रखेंगे इसको, तो आप निश्चिंत रहिए, आपके लिए हम कंटिन्यू लगे। देखो, हमने ये शुरू किया है तो फिर इसको पूरा कंप्लीट करेंगे। आप ये ना सोचें कि हम आपको नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं या फिर सर पूरी कंप्लीट करेंगे नहीं करेंगे। आपको पूरा पीएलसी बुक का जितने लेक्चर में भी कंप्लीट होगा वो आपको पूरा का पूरा प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। आप निश्चिंत रहिए, आपको अच्छा कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। जैसा कि हमारा अब नेक्स्ट टॉपिक आता है, ब्लॉक डायग्राम ऑफ पीएलसी, पीएलसी का ब्लॉक डायग्राम, पीएलसी का ब्लॉक डायग्राम, पीएलसी के अंदर के स्ट्रक्चर को समझने के लिए उसके ब्लॉक डायग्राम को समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो पीएलसी का ब्लॉक डायग्राम समझेंगे हम। देखो, ये पीएलसी का ब्लॉक डायग्राम है, इसमें ये इनपुट मॉड्यूल है और इधर ये आउटपुट मॉड्यूल है, ठीक है। तो इनपुट मॉड्यूल हो गया, इधर आउटपुट मॉड्यूल हो गया, बीच में जब इनपुट कमांड देता है किसे, सीपीयू को देता है, तो बीच में क्या है, ये प्रोसेसिंग यूनिट है। ये क्या है, आपकी प्रोसेसिंग यूनिट है, जिसे बोलते हैं सीपीयू। और सीपीयू के साथ एक मेमोरी लगी होती है, क्योंकि कोई भी हम अगर प्रोग्राम है डालेंगे तो वो कोई स्टोर घेरेगा, जगह घेरेगा, तो वो जगह कहाँ होती है, मेमोरी के अंदर होती है। और मेमोरी हमेशा सीपीयू के साथ जुड़ी रहती है, जिससे कि वो जो प्रोग्राम हमने मेमोरी में सेव किया था वो यहीं से इंटरफेरेंस करके उसको प्रोसेस, इसके इनपुट को मेमोरी से लिंक करके रीड करके उसको प्रोसेस करके आउटपुट में कन्वर्ट करें। तो इसके साथ एक पावर सप्लाई जुड़ी होती है, क्योंकि इस पूरे यूनिट को पावर सप्लाई की ज़रूरत होती है, ठीक है। किसकी ज़रूरत होती है, पावर सप्लाई की ज़रूरत होती है। और इसको प्रोग्राम करने के लिए एक प्रोग्रामिंग डिवाइस की ज़रूरत होती है। तो पीएलसी के जो मेन कंपोनेंट्स हैं वो आपका इनपुट मॉड्यूल और आपका माइक्रो प्रोसेसर यूनिट, जिसे सीपीयू बोलते हैं, यानी कि सीपीयू, इनपुट मॉड्यूल, सीपीयू और आउटपुट मॉड्यूल, साथ ही साथ पावर सप्लाई एंड प्रोग्रामिंग डिवाइस। ये इनमें से कोई सा एक पार्ट नहीं होगा तो पीएलसी में हम पूरी तरीके से वर्क नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो देखिए, आप ब्लॉक डायग्राम के साथ हमने ये कुछ इसके पार्ट्स को अलग अलग डिवाइड किया। ये आपको पहले डेफिनेशन, या आप जैसे थ्योरी में आप लिखना चाहोगे, आप ये टॉपिक्स लिखोगे, इनके आगे इनकी डेफिनेशन हो जाएगी, तो फिर बीच में ये ग्राफ लगा के फिर ऐसे लिखोगे, तो आप जो आपके अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि ब्लॉक डायग्राम और पीएलसी, अगर क्वेश्चन आ जाता है तो आपको सिंपली इसको सीधे सीधे जैसे मैं बता रहा हूँ ऐसे अटैम्प्ट कर देना है, और आपके अच्छे नंबर इसमें मिल जाएंगे इस क्वेश्चन में। और ये क्वेश्चन आता भी बहुत है, पीएलसी ओ जो ब्लॉक डायग्राम हो पीएलसी है, इतना इजी है, जब मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा आप एकदम इसको समझ जाओगे और अच्छे से उसको थ्योरी में आप एक्सप्लेन कर दोगे, ठीक है। देखो, सबसे पहला आता है हमारा क्या, इसमें पॉइंट आता है प्रोसेसर। प्रोसेसर क्या है हमारा, ये माइक्रो प्रोसेसर यूनिट, यानी कि सीपीयू ही हमारा क्या होता है, प्रोसेसर होता है। ये प्रोसेसर क्या, हमारी जो पीएलसी है, पीएलसी को क्या चाहिए, प्रोसेसर यूनिट चाहिए। प्रोसेसर यूनिट को बोलते हैं सीपीयू, यानी जितनी भी पीएलसी होती है हर एक पीएलसी सीपीयू अपने अंदर रखती है, मतलब उसके अंदर एक सीपीयू होता है, क्योंकि इसके अंदर जो लॉजिकल फंक्शन है और जो सॉफ्टवेयर के द्वारा हम लॉजिकल फंक्शन डालते हैं उसकी जो कैपेबिलिटी है, केवल इसी की कैपेबिलिटी है जो उसको ऑपरेट करा सकता है। क्योंकि सीपीयू एक, आपको बताया ही था, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डिजिटल सिग्नल पर ऑपरेट होती है। तो डिजिटल सिग्नल में प्रोग्रामिंग डिवाइस के द्वारा इसमें प्रोग्राम डाला जाता है, और वो प्रोग्राम इस सीपीयू में मेमोरी के अंदर स्टोर हो जाता है, क्योंकि मेमोरी भी सीपीयू के साथ जुड़ी रहती है। जब ये प्रोग्राम इसके अंदर स्टोर हो जाता है, तो इस प्रोग्राम स्टोर को जब इनपुट कमांड मिलती है, तो ये सीपीयू उस स्टोर मेमोरी में जो प्रोग्राम था उसको स्कैन करती है, यानी उसमें प्रोसेसिंग करती है, और उसको स्कैन करके और जो उस इनपुट की कमांड से और लॉजिकल फंक्शन से जो आउटपुट बना हुआ होगा वो स्कैन करके, यानी प्रोसेस करके आउटपुट को बताता है, और आउटपुट उसको एक्शन में लाता है। जो भी हमें उस आउटपुट चाहिए होता है वो आउटपुट कहाँ होता है, हमसे मिल जाता है।
पावर सप्लाई क्या काम करती है, पावर सप्लाई इसको कंटिन्यू पावर देने का काम करती है। प्रोग्रामिंग डिवाइस से हम प्रोग्राम करते हैं और साथ ही साथ उसके इनपुट और आउटपुट को वर्किंग टाइम में देख सकते हैं। तो इसी तरह से प्रोसेसर यूनिट क्या होती है कि जो भी हमारा लॉजिक पहले ही हमने मेमोरी में स्टोर किया उसको प्रोसेस करना, ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट आता है हमारा मेमोरी। मेमोरी के भी दो पार्ट्स होते हैं, मेमोरी के अंदर दो पार्ट होते हैं, एक होती है रोम और एक होती है रैम। आपको इनकी फुल फॉर्म पता ही होंगी, ये होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी और ये होती है रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी और रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी जो होती है वो बड़ी होती है और रीड ओनली मेमोरी वो छोटी होती है, क्योंकि वो टेम्परेरी रनिंग करती है ओनली रैंडम एक्सेस मेमोरी। उसके अंदर प्रोग्राम जाएगा और इतनी देर के लिए ही एक्टिव रहेगा उसमें, जितनी देर के लिए हमने उसको कमांड दी है। और जबकि रैम के अंदर वो प्रोग्राम स्टोर रहता है, चाहे सप्लाई कट हो जाए या नहीं हो, वो उसके अंदर स्टोर रहेगा। लेकिन रैंडम रीड ओनली मेमोरी में वो नहीं रुकेगा, वो उसी टाइम प्रोसेस होगा जिस टाइम उसकी स्कैनिंग चल रही होगी। यानी इस टाइम स्कैनिंग के टाइम में रोम वर्क करती है और हर टाइम जो वर्क करती है वो रैम वर्क करती है। तो मेमोरी के अंदर दो चीज़ें हो गई आपकी, रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम, ठीक है। मेमोरी इसमें क्यों स्टोर की जाती है, क्योंकि जब हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो उस प्रोग्राम को जब सीपीयू में अपलोड करते हैं तो सीपीयू के अंदर कुछ स्पेस चाहिए, उसको अपनी खुद की जगह, उसकी जगह घेरती है ना कहीं ना कहीं। तो जब इस उसके लिए क्या चाहिए, स्पेस चाहिए। स्पेस कहाँ होता है, मेमोरी में होता है। तो मेमोरी के अंदर वो स्पेस, मेमोरी के अंदर के स्पेस में क्या करते हैं, हमने जो प्रोग्राम बनाया, लॉजिकल प्रोग्राम बनाया जो पीएलसी में अपलोड किया जाता है मशीन को ऑटोमेटिक ऑपरेट कराने के लिए या और भी कोई से फंक्शन के लिए, तो वो मेमोरी में स्टोर होता है, ठीक है। फिर मेमोरी जो होती है हमारी, इसकी सीपीयू की जो मेमोरी होती है वो 1 KB से 64 KB तक की होती है। इसकी इंटरनल मेमोरी की कैपेसिटी ये होती है। अब और ज़्यादा जैसे आगे पीएलसी यूनिट का लोड बढ़ता जाएगा, वैसे ही मतलब प्रोग्राम बड़े होते जाएंगे तो इसकी भी कैपेसिटी बढ़ेगी। लेकिन अभी तक मतलब जो नॉर्मल है वो इतना है कि इतने तक लगी होती है इसमें, 1 KB से लेके 64 KB तक की, ठीक है। फिर हमारा थर्ड आता है हमारा इनपुट मॉड्यूल। इनपुट मॉड्यूल क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रिकली हमारे जितने भी इनपुट होते हैं, मान लीजिए ये आपके बहुत सारे इनपुट हैं, ये इनपुट इसके साथ ऐसे कनेक्ट होंगे, तो ये जो इलेक्ट्रिकली इसमें जो सिग्नल आता है इलेक्ट्रिकली आता है और ये इनपुट उसको एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट करके माइक्रो प्रोसेसर को देता है और माइक्रो प्रोसेसर उसको स्कैन करके और फिर आगे आउटपुट को देता है। तो हम अभी सिर्फ इनपुट पे आते हैं, ठीक है। अभी कहाँ आते हैं, इनपुट पे। तो इनपुट पे क्या है कि जैसे ही हमारा इसको सिग्नल मिलता है, ये इसको कन्वर्ट करके ये इसको देता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा इनपुट मॉड्यूल, यानी जो हमने इनपुट दिया वो क्या हो गया हमारा इनपुट हो गया। और इनपुट डिवाइसेस क्या क्या हो सकती हैं, देखो स्विच आपको मिलेगा पढ़ने के लिए आगे, LS का मतलब होता है लिमिट स्विच। एक लिमिट स्विच होता है ऐसे लीवर से बनता है, जैसे ही कोई मशीन उस पर टच होती है और वो उसको ऑन ऑफ कर देता है। और भी बहुत सारे सेंसर हो गए, और एक मेटल सेंसर होता है, और एक वैसा होता है एक जैसे आपकी वो होती है ना लेज़र लाइट में होता है, रिफ्लेक्ट होकर वापस आती है, उससे हमें सिग्नल मिलता है। और भी बहुत सारे सेंसर हैं, जब सेंसर को सर्च करोगे आप गूगल पे तो एकदम मिल जाएगा। सेंसर्स बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं, पानी के लिए अलग हो गया, तेल के लिए, लिक्विड के लिए। जैसे कि आपने ट्रांसफार्मर में ग्लूकोज रिले पढ़ा होगा, उसके अंदर भी एक सेंसर लगा होता है जो कि आपके केमिकल रिएक्शन को सेंस करता है। ऐसे बहुत सारे सेंसर होते हैं, वो सब इनपुट डिवाइस होते हैं, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट आता है हमारा क्या, ये ले लेते हैं प्रोग्रामिंग डिवाइस। वैसे तो इनपुट के बाद सीधे मुझे आउटपुट बताना था, चलो आउटपुट देख लेते हैं 5वें नंबर पे, कोई दिक्कत नहीं है, आउटपुट देख लेते हैं। देखो आउटपुट क्या, आउटपुट मॉड्यूल क्या है, जैसे इनपुट मॉड्यूल में इनपुट मिल रहे थे वैसे ही प्रोसेसर जो होता है, इनपुट से प्रोसेसिंग होती है सीपीयू में, सीपीयू से प्रोसेस हो गए और जो रिजल्ट एंड इनपुट से रिजल्ट एंड बनेगा, जो भी लॉजिक फंक्शन बनेगा, जो भी हमें आउटपुट चाहिएगा। मान लीजिए मैंने क्या किया, 2 इनपुट दिए, एक इनपुट ये दे दिया और एक इनपुट ये दे दिया, ये 2 इनपुट दिए। जब तक ये दोनों ऑन नहीं होंगे तब तक मेरा आउटपुट ऑन नहीं होना चाहिए। तो मेरा ये इनपुट भी ऑन हो गया, ये भी ऑन हो गया, ये भी ऑन हो गया, तो अब मुझे आउटपुट मिलना चाहिए, बाई आउटपुट मिलना चाहिए, ठीक है। अब क्या मिलना चाहिए मुझे, आउटपुट मिलना चाहिए। तो ये दोनों इनपुट प्रोसेसिंग होंगे इसमें कि ये ऑन हो गया, ये ऑन हो गया, ये प्रोसेसिंग सीपीयू में होगा। उसके बाद ये सीपीयू कमांड देगा, आउटपुट पे ही डिजिटल में भेजेगा और डिजिटल से एनालॉग में आउटपुट बाहर मिल जाएगा। और मुझे अब चाहे उसमें मोटर चलानी हो,
चाहे मोटर चलानी हो या फैन चलाना हो या कुछ भी चला सकता हूँ मैं फिर, क्योंकि मेरा जो यूनिट है, मुझे जो कमांड है वो इनपुट से मिल गई और मेरा आउटपुट शुरू हो जाएगा। तो ऐसा क्या करता है, ये आउटपुट मॉड्यूल काम करता है। ठीक है, फिर हम आते हैं प्रोग्रामिंग डिवाइस पे। हमने पीएलसी को, हमारी एक पीएलसी यूनिट हो गई, मान लीजिए ये एक पीएलसी यूनिट है, मैं एक मिनट रुको, ये क्या है, हमारी एक पीएलसी यूनिट है, ये आपकी एक पीएलसी यूनिट है। ठीक है, इस पीएलसी में हमारी पावर सप्लाई हो गई, फिर इसका सीपीयू हो गया, अब हमारी जो पीएलसी, और ये इसका इनपुट डिवाइस हो गया और ये इसका आउटपुट डिवाइस हो गया। तो देखो, जैसे ही ये इनपुट डिवाइस है और ये आउटपुट डिवाइस है, अब सीपीयू है, सीपीयू इसके, ये इतनी छोटी होती है कि इसके साथ कोई ऐसी प्रोग्रामिंग डिवाइस नहीं कनेक्ट होती जिससे कि हम इसको प्रोग्राम कर सकें। तो इसके साथ क्या करते हैं, हम एक अलग से, एक हमारे पास क्या होती है, एक प्रोग्रामिंग डिवाइस होती है जिसके जरिए, इसमें क्या होते हैं, प्रोग्रामिंग डिवाइस के अंदर हमारे जितने भी कीबोर्ड वाले फंक्शन होते हैं, उसमें जैसे हमारे अल्फा न्यूमेरिक है, अल्फा हो गया, न्यूमेरिक हो गए, ये सारे वर्ड्स उसके अंदर होते हैं। जैसे हमारे ये वाले वर्ड हो गए ABC, है ना, 1 2 3 फंक्शन, और इनटू, मल्टीप्लिकेशन, ब्रैकेट, ये सब, प्लस माइनस, सारे। तो कीबोर्ड में जितने सारे फंक्शन होते हैं वो उसी उसी फंक्शन के थ्रू, तो इसमें क्या की जाएगी, इनपुट डिवाइस, वो सॉरी, उसमें क्या है, प्रोग्रामिंग प्रोग्राम बनाया जाएगा उसके जरिए। तो वो जो डिवाइस है वो प्रोग्रामिंग डिवाइस है। अब प्रोग्रामिंग डिवाइस के भी फिर 3 पार्ट है। ए पॉइंट है हैंड हेल्ड प्रोग्रामिंग डिवाइस। एक ऐसी डिवाइस होती है, एक थोड़ी अपने फ़ोन से थोड़ा और बड़ी होती है एक, तो उसके अंदर यहाँ पे डिस्प्ले बनी होती है, डिस्प्ले में फिर यहाँ पे उसके की बनी होती है, इन की के जरिए इसमें से एक केबल जाती है जो कि हमारे सीपीयू से कनेक्ट होती है, और सीपीयू से क्या है, हम यहाँ से इसमें डिस्प्ले में देख के और अपना प्रोग्राम बना के उसमें एग्जीक्यूट करते हैं, यानी कि अपलोड कर देते हैं, तो हमारे क्या है, पीएलसी काम करने लगती है। ठीक है, तो ये हैंड हेल्ड प्रोग्रामिंग होती है। ये किस लिए होती है, ये जो है ना आपकी हैंड हेल्ड प्रोग्रामिंग डिवाइस है, ये यूज़ होती है आपकी छोटी पीएलसी में। जो छोटी पीएलसी होती है उसमें ये हैंड हेल्ड जो प्रोग्रामिंग डिवाइस है ये यूज़ होती है। ठीक है, फिर आती है हमारी इंडस्ट्रियल प्रोग्रामिंग डिवाइस। इंडस्ट्रियल प्रोग्रामिंग डिवाइस क्या होती है, देखो आपको मैं दिखा देता हूँ फिर से, ये मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ इधर, यहाँ से बताता हूँ। इंडस्ट्रियल प्रोग्रामिंग डिवाइस सिंपल है, आप सभी ने, ज़्यादातर ने देखी होगी, आपका एक मॉनिटर वाला कंप्यूटर आपने देखा होगा, इसमें मॉनिटर होती है, फिर उसका सीपीयू होता है नीचे, और फिर उसका कीबोर्ड हो गया, ये कीबोर्ड हो गया, और अलग से एक माउस होता है। मतलब आपके पुराने वाले कंप्यूटर जो होते थे उस जैसा ही होता है ये, लेकिन इसमें क्या है, इसमें तो केवल ये था कि रिमोट कार्ड जैसा था, एक रिमोट जैसा बना हुआ था, उसको हमने हाथ में लिया, हाथ में लेके तब उससे ऊपर वो करते थे, हम प्रोग्रामिंग करते थे, तो वो तो हैंड हेल्ड थी, मतलब उसको हैंड में लिया और आराम से ऐसे प्रोग्रामिंग कर ली। लेकिन ये जो होता है, ये रखा हुआ होगा एक फिक्स जगह पर, और इसमें देख के इसके अंदर एक सॉफ्टवेयर डला हुआ होगा, और ये एक केबल के थ्रू इससे जुड़ा होगा सीपीयू से इसके, और इस कीबोर्ड से हम इसमें लॉजिक, सारे लॉजिक देख देख के हम सारा बना सकते हैं। तो ये कौन सी डिवाइस हो गई, हमारी इंडस्ट्रियल प्रोग्रामिंग डिवाइस हो गई। इंडस्ट्रियल प्रोग्रामिंग डिवाइस इसे इसलिए बोला गया क्योंकि खास करके ये जो कंप्यूटर था ये इंडस्ट्री के लिए ही बनाया गया था, तो इसमें लिमिटेड फंक्शन होते थे। अब नेक्स्ट टॉपिक में जैसे कि हमारा आता है पर्सनल कंप्यूटर, अब इसी को मॉडिफाई करके, पहले ये केवल इंडस्ट्रियल कंप्यूटर थे, अब इसको मॉडिफाई करके क्या बना दिया, पर्सनल कंप्यूटर बना दिया। अब पर्सनल कंप्यूटर देखो, आपने देखे ही होंगे, आप बाजार जब आप कंप्यूटर खरीदते हो, एक मॉनिटर लेते हो, फिर एक साइड से सीपीयू लेते हो, सीपीयू के पास फिर एक कीबोर्ड होता है और आपका एक माउस होता है, ये आपका पर्सनल कंप्यूटर है। और इसी के अंदर एक आता है हमारा लैपटॉप, लैपटॉप और ये लगभग सिमिलर से ही होते हैं। तो लैपटॉप के और इस मॉनिटर वाले कंप्यूटर के थ्रू हम क्या करते हैं, इसे पीएलसी को प्रोग्राम करते हैं। ठीक है, और पीएलसी एक हार्डवेयर है, इसका जो सॉफ्टवेयर होता है वो इसके अंदर इंस्टॉल किया जाता है। जब वो इसके अंदर इंस्टॉल करते हैं तो बात केबल के थ्रू इसको कम्युनिकेट किया जाता है, देन इसको प्रोग्राम को। और हाँ, एक बात और, जो आपकी हैंड हेल्ड प्रोग्रामिंग डिवाइस थी, इसमें क्या था, आप सीपीयू से कनेक्ट करने के बाद
लाइव प्रोग्राम बनाना होता था, उसको हाथों हाथ सीपीयू में सेव करना होता था, जबकि पर्सनल कंप्यूटर में आप पहले ही प्रोग्राम पूरा बना लो, बनाने के बाद में आप इसमें आराम से अपलोड कर सकते हो, जबकि हैंडहेल्ड डिवाइस में ऐसा नहीं था। इसमें क्या था, हाथों हाथ अपलोड करना था, हाथों हाथ बनाना था, इसमें नहीं है। इसमें क्या है, पहले आप बना लो पूरा कंप्यूटर में, उसका टेस्ट कर लो, टेस्ट करने के बाद में आप सीपीयू में एग्जीक्यूट कर दो। एग्जीक्यूट का मतलब है उसको उसमें अपलोड कर देना। एक मिनट, ठीक है क्या? हाँ, ये बता रहे थे हम अभी पर्सनल कंप्यूटर के बारे में। क्या है कि पर्सनल कंप्यूटर में भी ऐसे ही सॉफ्टवेयर, जैसे इसमें इंडस्ट्रियल, जो आपका इंडस्ट्रियल प्रोग्रामिंग डिवाइस थी, इसमें भी क्या था, सॉफ्टवेयर अपलोड किया जाता था, ऐसे ही कंप्यूटर में भी, पर्सनल कंप्यूटर में। लेकिन पर्सनल कंप्यूटर की अपनी एक एडवांटेज ये है, इंडस्ट्रियल कंप्यूटर में केवल एक ही काम कर सकते थे, केवल सीपीयू कनेक्ट करके। लेकिन पर्सनल कंप्यूटर के साथ ये है कि आप अदर्स लिंक भी उसमें लगा सकते हो, इंटरनेट डिवाइस नेट, यानी मल्टी स्केलिंग उसके साथ कर सकते हो, आपका प्रोग्रामिंग भी रनिंग में रहेगा, और आपको अगर कुछ देखना हुआ तो उसको पेज को मिनिमाइज करके उसको जो काम करना है, और अदर्स लिंक भी आप उसको दे सकते हो, वहाँ से डाटा लेना और सेव करना सब कुछ इसके थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर भी अपनी खुद की मेमोरी होती है, इसमें प्रोग्राम सेव हो जाता है। पर्सनल कंप्यूटर के अंदर भी अपनी खुद की मेमोरी होती है, उसमें पूरा प्रोग्राम सेव हो जाता है, और हम उसको सीपीयू में अपलोड करके इसमें भी सेव कर देते हैं, तो हमारा दोनों जगह डाटा बना हुआ रहता है। और फिर दूसरी एडवांटेज ये भी है कि एक तो सीपीयू में हमने प्रोग्राम अपलोड कर दिया, यानी कि हमारे सीपीयू को पता है, पीएलसी को हमारी पता है कि मुझे क्या काम करना है। किसी वजह से सीपीयू ख़राब हो जाता है, तो इसे जो अपलोड किया था प्रोग्राम वो तो ख़त्म हो जाएगा, और ख़राब हो गया तो इसे हम बैकअप नहीं ले सकते, हमने क्या क्या प्रोग्राम इसमें अपलोड किया हमें नहीं पता ना, तो हम क्या करते हैं, इसका जो जो प्रोग्राम में इस मॉनिटर के थ्रू इसमें अपलोड किया था, इसमें भी एक फोल्डर बना के सेव कर लेते हैं। जब उसको सेव कर लेते हैं उसमें, तो जब भी कोई सीपीयू हम चेंज करेंगे, तो ये पूरा का पूरा प्रोग्राम फिर से इसके अंदर अपलोड कर देंगे, और पीएलसी पहले जैसे फिर से काम करने लगेगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है हमारा क्या, पावर सप्लाई। बिना पावर सप्लाई के सीपीयू इनपुट आउटपुट कार्ड कैसे काम करेंगे, इनको सप्लाई चाहिए ना, पावर सप्लाई चाहिए, तो पावर सप्लाई इन पे कनेक्ट रहती। और पावर सप्लाई लेते क्यों है, क्योंकि इसमें एसी सप्लाई दी जाती है, एसी सप्लाई दी जाती है, और इसमें कन्वर्ट होकर इसको डीसी सप्लाई ये प्रोवाइड करता है, 24 वोल्ट या 110 वोल्ट या फिर 12 वोल्ट, जितनी भी इसको जैसी हमारी इसकी पीएलसी की रिक्वायरमेंट है वैसे 12, 24, 110 या जितने की भी 110 तक। अब तो छोटी पीएलसी, अब ये पीएलसी एडवांस बन गई ना, तो अब 24 वोल्ट तक अच्छे से काम करने लगती है। ठीक है, तो आपकी पावर सप्लाई होगी, पावर सप्लाई क्या करती है, इसको पावर देती है, प्रोग्रामिंग डिवाइस इसको प्रोग्राम करती है, जो भी हमें प्रोग्राम बनाना है वो करता है, इनपुट डिवाइस इसको सिग्नल देती है कि मुझे इनपुट मिल चुका है, अब हमारा आउटपुट चाहिए, और आउटपुट क्या है, डिपेंड होता है इनपुट पे, कि जो इनपुट मिला उसके अकॉर्डिंग हमें आउटपुट मिलता है। ठीक है, तो आपके ये इतने सारे टॉपिक्स हो गए, प्रोसेसर, मेमोरी, इनपुट मॉड्यूल, आउटपुट मॉड्यूल, है ना, प्रोग्रामिंग डिवाइस, प्रोग्रामिंग डिवाइस के अंदर हैंडहेल्ड प्रोग्रामिंग डिवाइस होगी जो है हाथ से प्रोग्राम करते हैं, दूसरा इंडस्ट्रियल प्रोग्रामिंग डिवाइस जो इंडस्ट्री में लगे हुए कंप्यूटर होते हैं वो वाले कंप्यूटर हो गए, पर्सनल कंप्यूटर में हमारे लैपटॉप मॉनिटर वाले कंप्यूटर सारे आ जाते हैं। ठीक है, फिर हम अपना चलते हैं अगले टॉपिक्स पे। अगला टॉपिक आता है हमारा वर्किंग ऑफ पीएलसी। देखो, हमने पढ़ लिया कि ब्लॉक डायग्राम क्या है, ब्लॉक डायग्राम को आप अच्छे से 2-3 बार प्रैक्टिस करना, आपको ये देखो कुछ ज़्यादा कुछ भारी नहीं है, 1-2-3 ब्लॉक स्लॉट्स ऐसे बनाओ, उसके बाद नीचे दो बॉक्स और बना दो, ये इधर इधर इनपुट, इधर आउटपुट, बीच में प्रोसेसिंग, यानी ये जो सीपीयू है इसकी और इसकी बातचीत के लिए है प्रोसेसिंग, ऐसे मान सकते हैं कि इसकी और इसके बीच बातचीत का मीडियम हमारा ये सीपीयू है, इनपुट और आउटपुट। ठीक है, तो आपका इनपुट आउटपुट हो गया, ये ब्लॉक डायग्राम में इनपुट, बीच में माइक्रो प्रोसेसर हो गई, फिर आउटपुट हो गया, आउटपुट होने के बाद में प्रोग्रामिंग डिवाइस जो इसको प्रोग्राम करेगी और इसको देगी सप्लाई, ये 5 चीज़ें हैं इसमें। ठीक है,
क्लियर आपका ब्लॉक डायग्राम, आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, वर्किंग ऑफ पीएलसी, पीएलसी की वर्किंग क्या है। पीएलसी आपने पढ़ ली ब्लॉक डायग्राम, अब सीधे क्या है, किस पे आते हैं, पीएलसी की वर्किंग पे। पीएलसी का सामान्य कार्यविधि, देखो सामान्य कार्यविधि क्या है इसकी, इसमें आता है इंटरनल प्रोसेसिंग। क्या है कि हमारी जो पीएलसी है, पीएलसी में सीपीयू लगा होता है, फिर से वही बात आ गई इधर जो मैंने एक्सप्लेन की वही इसमें आती है, इंटरनल प्रोसेसिंग। इनपुट कमांड मिली, वो इनपुट कमांड मिलने के बाद उसके जो अपने प्रोग्राम बनाए उससे प्रोसेस होगी। प्रोसेस के अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी, जो हमने प्रोग्राम किया, प्रोग्राम बनाया, वो जो सीपीयू है उसको रीड करेगा कि क्या प्रोग्राम है। मुझे अगर ये इनपुट मिला, मान लीजिए एक एक्स इनपुट मिला, तो वो स्कैन करेगा सीपीयू कि एक्स इनपुट आखिर क्या है, वो देखेगा। फिर इससे उसको क्या चाहिए, क्या काम चाहिए, तो क्या होगा, वो प्रोसेस करेगी, ठीक है। तो वो प्रोसेस क्या होती है, इंटरनल प्रोसेस होती है, सीपीयू के अंदर प्रोसेस होती है, यानी पहले वो उसको रीड करता है, ठीक है। रीड करने के बाद फिर उस इनपुट को अपडेट करता है, अपडेट करके फिर आउटपुट को बताता है कि आपको ये करना है, ठीक है। तो वो क्या है, उसकी इंटरनल प्रोसेसिंग हो गई। फिर दूसरा बात आती है रीड इनपुट। देखो रीड इनपुट, ये सारी चीज़ें आपस में एक दूसरे से लिंक करती हैं, एक दूसरे की डेफिनेशन एक दूसरे से लिंक होगी, ठीक है। तो इंटरनल प्रोसेसिंग होगी क्योंकि वो रीड करता है। रीड इनपुट, पहले इनपुट की जैसे ही कमांड मिलेगी उसको रीड करेगा कि हमारा जो इनपुट था वो इसने नेगेटिव लिया है। अब ऐसे मान लीजिए आपने पढ़ा होगा कि दो सिचुएशन होती हैं, एक स्विच या तो ऑन होगा, सेंसर जो आपका इनपुट है या तो ऑन होगा या क्या होगा, ऑफ होगा। हम ऐसा भी एक सिचुएशन ले सकते हैं कि जिस टाइम हमारा इनपुट ऑफ हो उस टाइम हमारा आउटपुट मिलना चाहिए, ऐसी सिचुएशन भी ले सकते हैं। दूसरी बात, ये सिचुएशन भी ले सकते हैं कि जिस वक्त हमारा इनपुट ऑन हो तब भी हमारा आउटपुट हमें मिलना चाहिए, ऐसी सिचुएशन भी लग सकते हैं। लेकिन दोनों आउटपुट अलग अलग होंगे, एक ही इनपुट, एक ही, दोनों ऑन और ऑफ कंडीशन में किसी एक इनपुट को ऑन नहीं कर सकते, समझ गए आप। या एक एक स्विच से, तो देखो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, जिस टाइम स्विच ऑफ होगा तो ये वाला बल्ब मान लीजिए जल गया, बल्ब वन मान लो इसको, इसको बल्ब टू मान लो। और दूसरी कंडीशन हमने रख दी उसमें कि जब स्विच ऑफ हो ऑन हो, सॉरी जब स्विच ऑन हो तब क्या हो, बल्ब टू जले, और जब स्विच ऑफ हो तो बल्ब वन जले। तो दो बल्ब जल गए अलग अलग, लेकिन दोनों कंडीशन में एक को ही वर्क नहीं कर सकते, हमारा प्रोग्राम वो फिर गलत माना जाएगा। तो ऐसी कंडीशन है। अब ये जो हमारा मान लीजिए स्विच ऑफ है, ऑफ के टाइम में, तो पहले तो ये रीड करेगा ना, इसे इनपुट को रीड करेगा, रीड करके देखेगा कौन सी, ये वाला फंक्शन अप्लाई हो रहा है, ये फर्स्ट वाली इक्वेशन सॉल्व हो रही है या दूसरी वाली हो रही है। तो क्या रीड इनपुट, अब केवल ऑफ था स्विच, तो ऑफ टाइम में तो केवल इस बल्ब को ऑन करेगा, हमने कंडीशन दे दी कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, दूसरे में ऑन के टाइम में चलना चाहिए, सिर्फ ऑन के टाइम में चलना चाहिए। तो ऑफ के टाइम में तो वो आउटपुट नहीं देगा, लेकिन ऑन के टाइम में वो आउटपुट देने लगेगा। तो उसको क्या करेगा, पहले रीड करेगा सिचुएशन क्या है, उसके हिसाब से ही वो उसको क्या करेगा, आउटपुट देगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट पे आते हैं एग्जीक्यूट प्रोग्राम। एग्जीक्यूट प्रोग्राम का मतलब ये है कि पहले हम इनपुट डिवाइस के जरिए, जो आपको ये लिखवाई थी ना मैंने आपको, प्रोग्रामिंग डिवाइस के थ्रू एक पूरा प्रोग्राम बनाया जाता है। जब वो प्रोग्राम पूरा बन गया, बनने के बाद हम उसको देखते हैं कि हमारा प्रोग्राम, तीन चार बार पढ़ के देखते हैं उस प्रोग्राम के कि वो सही बना हुआ है। तो जब वो प्रोग्राम हमारा सही बन जाता है, तो उस प्रोग्राम को सही बनाने के बाद एग्जीक्यूट किया जाता है। एग्जीक्यूट का मतलब है अपलोड करना। आप वीडियो अपलोड करते हो और फोटो अपलोड करते हैं, ये सब क्या है, अपलोड, LOAD, अपलोड, सॉरी। प्रोग्राम क्या करते हैं, अपलोड करते हैं, ठीक है। तो अपलोड करना ही क्या है, हमारा एग्जीक्यूट है, क्योंकि हमारी पीएलसी की लैंग्वेज में अपलोड करने को एग्जीक्यूट बोला गया है, ठीक है। तो आप एग्जीक्यूट याद रखेंगे अपलोड करने को, ठीक है। बस आप अपलोड करने का मतलब एग्जीक्यूट अच्छे से याद कर लेना। एग्जीक्यूट क्या है, एक प्रोग्राम बनाया हमने, जो भी प्रोग्राम बनाया उस सॉफ्टवेयर के जरिए, जो पीएलसी का सॉफ्टवेयर होता है, उस सॉफ्टवेयर से
उसके अंदर क्या कर दिया हमने, एग्जीक्यूट कर दिया, ठीक। फिर एग्जीक्यूट होने ये हो गया, उसके बाद फिर से प्रोसेसिंग यूनिट पर जाते हैं, यानी अपडेट आउटपुट हमें इनपुट मिला, ठीक है। क्या मिला? इनपुट मिला। अब वो इनपुट मिलने के बाद प्रोसेस हुआ, प्रोसेस मिलने के बाद फिर वो आउटपुट की प्रोसेस भी तो होगी। पीएलसी ने केवल इनपुट को ही प्रोसेस नहीं करता, इनपुट को ही प्रोसेस नहीं करता बल्कि आउटपुट को भी करता है, सीपीयू। तो इनपुट के जरिए आउटपुट को भी देखेगा, कहीं पहले से ही तो ऑन नहीं है, अगर पहले से ही ऑन होगा तो कमांड देगा ही उसको ऑन होने की, है ना। तो क्या है, ये इससे भी स्कैन करेगा, इसे भी स्कैन करेगा, और स्कैन करके उसे अपडेट देगा कि अब तुम्हें ये काम करना है और इस वक्त नहीं करना है। तो जो काम की कमांड होगी वो प्रोसेस होकर उसको अपडेटिंग में मिलेगी। तो यही अपडेटिंग से मतलब यही है कि वो अब करंट में क्या वर्क करना है उसे, ठीक है। अब इसका देखो, इसका भी एक वर्किंग प्रिंसिपल का एक प्रोसेस दिखाया हुआ है कैसे है। देखो ये सारे आपस में एक दूसरे को ऐसे ही साइकिलिंग करते हैं, यानी कि सारे एक दूसरे में मर्ज हैं आपस में, इसलिए इसका ऐसे करके ग्राफ बनाया है। आप सोचो कि ये एरो अंदर को बना दिया, ये ऊपर को, ये वाले प्रोसेस का कोई एक फिक्स वो नहीं है, क्योंकि इंटरनल प्रोसेसिंग के अंदर ही रीड इनपुट आता है, एग्जीक्यूट प्रोग्राम, जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट किया हुआ है उसकी ही इंटरनल प्रोसेसिंग होगी, और आउटपुट अपडेट भी क्या है, इंटरनल प्रोसेसिंग का ही एक पार्ट है। तो देखो इंटरनल प्रोसेसिंग क्या होती है, पीएलसी में जो प्रोग्राम है उसमें जो मेमोरी लगी हुई है उसमें क्या क्या है, पीएलसी प्रोग्राम हो गया, मेमोरी और फिर एग्जीक्यूटिंग और उसकी कैपेसिटी और टाइम मैनेजमेंट। तो इंटरनल प्रोसेसिंग का मतलब ये है, सबसे पहले देखो जब हमारी पीएलसी होती है तो पीएलसी को जब स्टार्टिंग में इंस्टॉल किया जाता है तो उसमें जैसे हम अपने फ़ोन में टाइम सेट करते हैं वैसे ही पीएलसी में भी टाइम सेट किया जाता है। अगर पीएलसी का टाइम सेट नहीं है तो वो कमांड देती है कि आप इसका टाइम सेट करो, क्योंकि एडवांस कंप्यूटर है, वो कंप्यूटर में भी आजकल टाइम सेट होता है पहले ही। तो टाइम मैनेज क्या करते हैं, टाइम अरेंज किया जाता है, टाइम अरेंज करने के बाद उसमें उसकी जो एग्जीक्यूटिंग कैपेसिटी है यानी उसके अंदर मेमोरी कितनी है वो देखी जाती है। पता लगा हमने बहुत बड़ा प्रोग्राम डाल दिया, इतनी बड़ी तो कोई मेमोरी नहीं है उसके अंदर लगी हुई जितना प्रोग्राम उसके अंदर अपलोड कर दिया। फिर उसका मेमोरी आपने देख लिया एग्जीक्यूटिंग कैपेसिटी के हिसाब से, है ना, और पीएलसी में फिर क्या कर दिया उसमें प्रोग्राम अपलोड कर दिया। तो ये सब जो देखी जाएगी वो इंटरनल प्रोसेसिंग के अंदर देखी जाएगी, यानी उसकी इंटरनल प्रोसेसिंग कैसी है और उसका टाइम सब कुछ सेट है या नहीं है। फिर आगे इसमें रीड इनपुट, तो रीड इनपुट, इनपुट रीड होता है और उसको क्या करता है, अपडेट देता है। फिर उसके बाद आता है अपडेटिंग प्रोग्रामिंग, यानी एग्जीक्यूट को, एग्जीक्यूट का मतलब है प्रोग्राम बनाया उसके अंदर अपलोड कर दिया, यानी कि अपडेट हो गया। अपडेट होना ही या उसके अंदर अपलोड करना ही क्या है, एग्जीक्यूट प्रोग्राम है, ठीक है। उसके बाद अपडेट आउटपुट, अपडेट आउटपुट वही फिर से वही बात आ गई कि आप अपडेट आउटपुट क्या है, इनपुट से जो सिग्नल मिला वो उस पर अपडेट हो गया, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें हमने देख ली है ना, पीएलसी के सामान्य कार्यविधि के अंदर इंटरनल प्रोसेसिंग होगी, रीड इनपुट, एग्जीक्यूट प्रोग्राम और अपडेट। आप देखो सभी एक बात को भी अच्छे से ध्यान रख लो, आप ये सोच रहे होगे सर जी, कुछ हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए कह रहा हूँ, आप ये ना सोचे कि हम हिंदी मीडियम से हैं तो हमें ये इंग्लिश में लिखा हुआ मिला। हम इसे भी देखो, पीएलसी बुक एक ऐसी है इसके ज़्यादातर जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश में ही है, क्योंकि सारे फंक्शंस कंप्यूटर पर वर्क करोगे उसमें हिंदी में कुछ नहीं मिलेगा आपको, सब इंग्लिश में ही मिलेगा। मतलब आपकी जो थ्योरी है, आपकी जो हेडिंग है वो इंग्लिश में ही रहे, बाकी की आपकी लैंग्वेज अपनी खुद की यूज़ करके उसमें हिंदी की थ्योरी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप ये ना सोचे कि सर ने इंटरनल प्रोसेसिंग यूनिट लिखवाया था, हिंदी में भी इंटरनल प्रोसेसिंग यूनिट, अब इसकी कोई हिंदी निकालेंगे तो बहुत अजीब सी आएगी, आपको भी दिक्कत होगी। तो आप टेक्निकल लैंग्वेज में समझें कि इंटरनल प्रोसेसिंग यूनिट क्या है, फिर इनपुट, रीड इनपुट, क्योंकि इसी से आप अच्छे समझेंगे, क्योंकि जब भी आप प्रैक्टिकल करोगे तो प्रैक्टिकल में आपको यही लैंग्वेज देखने के लिए मिलेगी, मॉनिटर के अंदर भी और सीपीयू के अंदर भी। तो इसीलिए मैं आपको यही लैंग्वेज बता रहा हूँ ताकि आपकी हैबिट भी क्रिएट हो जाए, यानी आपकी आदत बन जाए और आप जल्दी से इसी लैंग्वेज में आप अच्छे से समझना सीख जाएं। देखो जो जहाँ तक हिंदी लिखने वाली बात होती है, मैं हिंदी लिख देता हूँ, जहाँ पे हिंदी में समझने वाली चीज़ है वो लिख देता हूँ कि पीएलसी की सामान्य कार्यविधि मैंने लिख दी, यानी कि वर्किंग ऑफ प्रिंसिपल। अब मैं इंटरनल प्रोसेसिंग यूनिट को, उसके अंदर यही लिखा हुआ आएगा, यही सब दिखेगा, तो मैं इसको हिंदी में नहीं देख सकता। वैसे इसकी निकालना चाहें हिंदी तो आप कर सकते हैं, पर हेडिंग आपको इंटरनल प्रोसेसिंग से और जल्दी समझ में आएगी कि इंटरनल प्रोसेसिंग है क्या, आप जल्दी से उसकी डेरिवेशन एक्सप्लेन कर दोगे, ठीक है। और अगले टॉपिक पर चलते हैं। अब देखो
अब अगला पॉइंट देखते हैं अपना फंक्शन ऑफ पीएलसी। पीएलसी के फंक्शन क्या है, देखो पीएलसी के अंदर फंक्शन क्या क्या है, इसमें देखो कंट्रोल रिले, कंट्रोल रिले टाइमिंग फंक्शन है, फिर एनालॉग कंट्रोल है, फिर काउंटिंग फंक्शन है, फिर क्या है मिसलेनियस फंक्शन। अब इनके बारे में डिटेल में समझते हैं। देखो कंट्रोल रिले, अब मान लीजिए पीएलसी केवल हमारी 24 वोल्ट की पीएलसी है और हमारे पास कोई हीटर है, अगर हीटर है हमारे पास 220 वोल्ट एसी का, जबकि पीएलसी हमारी डीसी पर वर्क करती है, तो हम हीटर को कैसे चलाएंगे पीएलसी के थ्रू। तो देखो पीएलसी के थ्रू कैसे चलाते हैं हीटर को, 24 वोल्ट का आउटपुट एक सीपीयू से 24 वोल्ट का आउटपुट मिलता है जो कि 24 वोल्ट की रिले को ऑपरेट कराता है। 24 वोल्ट की रिले जैसे ही ऑपरेट होती है इसका टर्मिनल इसकी तरफ को अट्रैक्ट होगा और यहाँ से आउटपुट ये जो रिले होगी इसकी एक कॉमन वाले की कैपेसिटी ये होगी कि ये रिले 220 वोल्ट पर 220 वोल्ट एसी पर ऑपरेट हो सकती है। तो ये कॉइल एनर्जी में होके इसको अपनी तरफ खींचेगी, अपनी तरफ खींचेगी, कॉन्टैक्ट बना देगी और यहाँ से क्या होगा हमारा हीटर एक्टिव जल जाएगा, यानी चलना शुरू कर देगा। यहाँ पे ये पावर सप्लाई है। तो क्या है इसको हीटर को चलाने के लिए क्या है, कंट्रोल रिले एक बस पीएलसी के बाद तुरंत लगा दी ताकि 24 वोल्ट से 24 वोल्ट डीसी से 24 वोल्ट डीसी से क्या है एसी 220 वोल्ट एसी का जो हीटर है हमारा ये हीटर चल जाए। इसी तरह से पंप का भी इसी आउटपुट की जगह पे ये चीज़ें चेंज कर सकते हैं, बाकी रिले का जो आउटपुट है वो ऐसे ही रहेगा, ठीक है। फिर दूसरी आती है टाइमिंग फंक्शन। अब मान लीजिए हमने ये रिले तो ऑन करा दी लेकिन एक हमारे पास आता है टाइमर। रिले पहले ही क्या होता है, हम लॉजिक प्रोग्राम के अंदर जैसे हमारी इनपुट डिवाइस मिलती है ऐसे ही पीएलसी के सॉफ्टवेयर में एक फंक्शन मिलता है हमारा टाइमर। हम अगर उसका इनपुट इस तरह से बना दें कि केवल ये 10 सेकंड तक ऑन, 10 सेकंड बाद ऑन हो, तो हमारी जो मोटर होगी इसकी यहाँ मान लीजिए ऐसे एक आउटपुट दिखा दिया ये, तो आउटपुट हमारा ये जाहिर आता है क्योंकि आउटपुट डिवाइस है। ऐसे ही क्या किया हमने, एक आउटपुट डिवाइस हमारा जो पीएलसी से सिग्नल गया आउटपुट डिवाइस से, ये हमारी एक आउटपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस से हमारा एक सिग्नल चला गया, सॉरी एक मिनट, आउटपुट सिग्नल चला गया, ठीक है। अब ये आउटपुट सिग्नल किसके पास गया, रिले के पास, रिले क्या हो गई हमारी एनर्जाइज हो गई। तो जो टाइम के अकॉर्डिंग यहाँ से इस रिले को ऑपरेट जो किया गया इस 10 सेकंड के हिसाब से, हमने पहले ही इनपुट सेट कर दिया कि 10 सेकंड बाद ये हमारा आउटपुट होना चाहिए, इस आउटपुट से एक रिले ऑपरेट कराई, ये रिले, इस रिले से जो भी हमें अब आगे चलाना है, चाहे तो हम इस रिले से हीटर चलाएँ, पंप चलाएँ, ब्लोअर चलाएँ, और भी बहुत सारे फंक्शन इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है कि एक कैपेबिलिटी ये भी है कि टाइम हम सेट कर देंगे सॉफ्टवेयर के थ्रू, ओनली सॉफ्टवेयर से ही टाइम कंट्रोल हो जाएगा, ठीक है। कैसे, सॉफ्टवेयर से ही, सॉफ्टवेयर के अंदर ही वो बिट मिलती है, बिट मिलती है, जैसे इनपुट बिट हो गई, आउटपुट बिट हो गई, इसी तरह से टाइमिंग की और काउंटिंग की बिट भी होती है उसके अंदर। तो टाइम सेट कर देंगे 10 सेकंड का, 10 सेकंड बाद क्या होगा हमारा आउटपुट ऑन हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आता है एनालॉग कंट्रोल। एनालॉग कंट्रोल का मतलब ये है, हमारा एक सेंसर है, मान लीजिए एक सेंसर है जो कि टेम्परेचर को सेंस करता है, ठीक है। इनने टेम्परेचर को सेंस किया और इसका सिग्नल हमने किसको दे दिया, पीएलसी के इनपुट को दे दिया, पीएलसी के इनपुट को दे दिया। अब ये पीएलसी का इनपुट सीपीयू को बताएगा कि मेरे पास टेम्परेचर सेंस हुआ है कि इतने डिग्री टेम्परेचर, मान लीजिए ये ऑन हो जाता है 20 डिग्री टेम्परेचर पर ऑन हो जाता है, तो ये बताएगा सीपीयू को कि मेरे पास जो सिग्नल मिला है वो 20 डिग्री का मिला है। हम सेट कर देंगे इसके अंदर पीएलसी में प्रोग्राम डाल देंगे कि 20 डिग्री जैसे ही ऑन होगा, ये सिग्नल जैसे ही ऑन होगा, ऑन होने के बाद हमें आउटपुट मिलना चाहिए। तो जैसे ही क्या होगा, फिर ये इसको आउटपुट में सिग्नल दे देगा और हमें जो भी चीज़ चलानी है, बंद करनी होगी, हम उसको बंद कर सकते हैं। मान लीजिए हम 20 डिग्री का, ये एक मोटर है, हम चाहते हैं कि 20 डिग्री से ज़्यादा ऊपर गर्म ना हो, तो ये जो सेंसर है हम इस मोटर पे लगा देंगे और ये मोटर सेंस करेगी। मान लीजिए एक सेंसर लगा दिया, ये सेंस करेगा कि मोटर 20 डिग्री तो नहीं हुई, जैसे ही 20 डिग्री होगी ये ऑन का सिग्नल ये इनपुट को देगा, ये इनपुट सीपीयू को बताएगा, सीपीयू आउटपुट को बताएगा और आउटपुट इस मोटर को ऑफ कर देगा। तो क्या होगा, इसके
इससे ही मोटर से ही ये सेंसर लिए इनपुट लिया था और मोटर को ही इसी से ऑफ करा दिया। जैसे ही ये फिर से नॉर्मल कंडीशन में जाएगा मोटर के लिए, फिर से हम कमांड दे देंगे कि हमारी मोटर चालू हो जाए। ठीक है, इस तरह से क्या एनालॉग कंट्रोल होगा। यहाँ से मिला एनालॉग कंट्रोल, इसमें डिजिटल हो गया, डिजिटल ने फिर से एनालॉग इसको बताया आउटपुट को डिजिटल फॉर्म में, और उससे क्या है आउटपुट मिल गया किसमें एनालॉग में। ठीक है, ऐसे ही हमारा काउंटिंग फंक्शन आता है, हम काउंटिंग कर देंगे, इसमें हम बिट लगा देंगे कि हमारी जो है काउंटिंग काउंटिंग 10, 11, 12, 13 जितनी भी काउंटिंग है वो काउंटिंग हमारे डिस्प्ले में दिखाई देनी चाहिए, या फिर हमारी 10 बार अगर किसी ने चक्कर लगा दिया उसके बाद मेरी मशीन बंद हो जानी चाहिए। मतलब एज ए आपको जो फंक्शन चाहिए उस फंक्शन के हिसाब से हम काउंटिंग सेट कर सकते हैं। उसमें बिट बनता है, जैसे हमारा इनपुट का बिट बना वैसे ही हमारा क्या बनेगा, एक आउटपुट का बिट बनेगा। ठीक है, तो इसमें क्या आ गया हमारा काउंटिंग फंक्शन आ गया। काउंटिंग आप समझते हो, आपने देखा होगा 7 सेगमेंट डिस्प्ले में 1 काउंट हो गया, फिर 2, जैसे कि आपने रेलवे स्टेशन पर देखा होगा कि ट्रेन आने वाली है उसमें पहले ही वो दिखा देते हैं डिस्प्ले में, ये तो वो काउंटिंग है। ठीक है, लेकिन पीएलसी के अंदर थोड़ा अलग है, वो इनपुट सिग्नल से ही काउंटिंग करती है कि इतनी जितनी बार इनपुट का सिग्नल इसको मिलेगा ये इतनी काउंटिंग अपने साथ ऐड करता जाएगा। और थोड़ा सा डिटेल में बता दें, आपको कभी फिर भी लग रहा होगा पता नहीं सर क्या बोल रहे हैं अभी समझ में नहीं आ रही है, तो मान लीजिए आपके ये काउंटिंग बिट है। ठीक है, ये कहता है कि मेरी काउंटिंग अगर 10 हो जाती है और 10 के बराबर हो जाएगी, ऐसे मान लीजिए इसका जो बिट बनता है वो कुछ ऐसा बनता है, कैसे मान लीजिए एक हमारा M इनपुट है, M है, M1 बराबर हो जाएगा M2 के, और M1 के पास 10 गिनती है और M2 के पास 0 है, तो ये 0 10 तक जब तक गिनेगा नहीं, तो यहाँ से ये इनपुट इसे गिनती देता रहेगा। इससे पहले एक मान ली और एक और बना लेते हैं यहाँ से, ये क्या है काउंट 10, यानी जैसे ही काउंट 10 होगा तो हमें आउटपुट मिलेगा। तो जितनी भी काउंटिंग यहाँ तक जाएगी ये जितनी बार ऑन ऑफ होगा यहाँ पे गिनती 0 से शुरू होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गिनता रहेगा ये काउंटिंग। ये जैसे ही गिनती इसका जो आउटपुट है वो यहाँ मिलेगा, और जैसे ही काउंट 10 आउटपुट पूरा होगा 10/10 होगा, सीधे हमारे क्या होगा आउटपुट मिल जाएगा। ऐसे ही फंक्शन होते हैं, यानी यहाँ पे एक जैसा नॉर्मली आपकी गिनती बढ़ती चली जाती है ऐसी मिलती है आपको, ज़्यादा इतना कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है काउंटिंग से, बस ये समझ लो काउंटिंग फंक्शन यानी काउंटिंग करता है प्रोडक्ट की। उसके बाद आता है मिसलेनियस फंक्शन। मिसलेनियस फंक्शन के अंदर ये हो गए एंड गेट, ओर गेट, नोट गेट, नैंड गेट, नोर गेट, ये जितने भी फंक्शन आते हैं मिसलेनियस फंक्शन है ये। यानी कि एंड गेट में आ गया ये और ये, एक इनपुट ये, एक इनपुट ये, बराबर आउटपुट क्या आएगा, तो इसके हिसाब से ये वाले फंक्शन कौन से होते हैं हमारे, यही तो होते हैं एंड गेट, ओर गेट, नोट गेट के। मान लीजिए आपका एक ये फंक्शन बना दिया, ये ऐसे करके फंक्शन बना दिया, इसको क्लोज कर दिया, ये नोट गेट का है, तो ये क्या है मिसलेनियस फंक्शन है, एंड गेट, ओर गेट, नोट गेट एंड ओर गेट, नोर गेट। ठीक है, आई होप आपको ये क्लास बहुत पसंद आई होगी, और हमारे वीडियो को लाइक करना, ठीक है, सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया।